किसी को समंदर पसंद है, किसी को जंगल, किसी के फेवरेट माउंटेन्स हैं, तो किसी को लॉन्ग ड्राइव्स। वैसे तो मुंबई में ऐसे कई सारे प्लेसेस हैं, जहां आपको पसंद है वो सब कुछ है, लेकिन वीकेंड्स को 3-4 घंटे के लिए कहां जाए? ये सवाल के जवाब में है मुंबई का पवई लेक। ग्रीटिंग्स फ्रॉम द पवई लेक। पवई लेक की एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। यहाँ सालों पहले पवई घाटी हुआ करती थी और छोटा सा गांव था। 1891 में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मीठी नदी पर 2 बांध बनवाए थे, उसके परिणाम स्वरूप पवई लेक का निर्माण हुआ। उसका मेन पर्पस मुंबई को वाटर स्टोरेज के प्रॉब्लम से बचाना था, लेकिन कुछ सालों बाद हुआ यूं कि पानी की क्वालिटी डिग्रेडेड होने के कारण लेक का पानी पीने लायक नहीं रहा। बाद में पवई लेक वेस्टर्न इंडियन फिशिंग एसोसिएशन के कंट्रोल में था। तब से लेक में फिश डेवलप कल्चर एंड एंगलिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हुई। 1936 से महाराष्ट्र स्टेट एंगलिंग एसोसिएशन ने लेक को क्लीन एंड फिर से जीवंत करने के लिए उसका देखभाल करना शुरू किया। लेटर इन 2002 BMC ने लेक को पुनर्जीवित करने और सुधारने की योजना को लागू किया। दैट्स व्हाई टुडे पवई लेक इज द मोस्ट पॉपुलर लेक इन मुंबई। There are many things to do at Pavai Lake. Watching the beautiful birds and butterflies, witnessing the sunset, walking among the green environment, and never forget to taking a photographs. Pavai Lake mein greenery and flowery balsam bushes hai, jis pe kai sare bees and butterflies आसपास मंडराते रहते हैं। इस शांत लेक में कई सारे पक्षी भी आते हैं। किंगफिशर, स्पॉट बिल्ड, डक्स एंड डव्स दिख जाते हैं, और नशीब वाले होते हैं वो जिसे पानी में क्रोकोडाइल्स भी देखने को मिले। लेक के नजारों में भीगते हुए, नेचर को एंजॉय करते हुए, लेट्स वॉक विथ मैग्निफिसेंट ग्रीनरी। पवई लेक की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे लोकल पीपल अपना क्वालिटी टाइम बिताना जरूर पसंद करते हैं। इट इज एब्सोल्युटली मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ये एरिया पहले पवई घाटी था। लेक के किनारे छोटे छोटे गांव थे, लेकिन आज पवई मुंबई के सबसे पॉश एरिया में से एक है। एक तरफ शानदार हीरानंदानी टाउनशिप, दूसरी तरफ लग्जरियस होटल्स, और एक और किनारे पर विशाल IIT मुंबई। रियली पवई इज ट्रेजर ऑफ मुंबई।
पवई अपने आइकॉनिक प्लेस पवई लेक के साथ साथ फास्ट चेंजिंग स्काईलाइंस के लिए भी फेमस है। 1986 में हीरानंदानी ग्रुप महाराष्ट्र स्टेट और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में 230 एकर्स लैंड के डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था। 1989 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। उस टाइम पर ये एरिया बंजर और हिली था। तब यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, सैनिटरी सीवर लाइंस, वाटर एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस भी नहीं थे। धीरे धीरे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और साथ में 1 लाख से ज़्यादा पेड़ भी लगाए गए। हीरानंदानी का फर्स्ट फेज 1990s में रेडी हुआ था और सरप्राइजिंगली आज की डेट में भी ये उतना ही वेल मेंटेन्ड है। इस एरिया में कई सारी मूवीज, टीवी सीरियल्स एंड सॉन्ग्स की शूटिंग होती रहती है, जिसे हम नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you on the road.